पैसा वो लगाएंगे, आपको कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, कि कौन से टाइप के मैन्युफैक्चरर से, यानी जो मैन्युफैक्चरर उसको रिसर्च कैसे करें, कहां से मिलेंगे मैन्युफैक्चरर्स, कैसे काम करना, किसके लिए काम करना, एज ए होल सोल आप इंचार्ज रहेंगे और आप बिना इन्वेस्टमेंट में अपना इन्वेस्टमेंट लगा नहीं, तो विदाउट इन्वेस्टमेंट भी कैसे आप एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट बिजनेस इन इंडिया विदाउट इन्वेस्टमेंट, यानी विदाउट इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है या बिल्कुल नहीं है, तो विदाउट इन्वेस्टमेंट भी कैसे आप एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर स्ट्रेटेजी से, या कौन सी स्ट्रेटेजी आपको लगानी, कमीशन बेस पे काम करना है, कैसे काम करना, किसके लिए काम करना, एज ए होल सोल आप इंचार्ज रहेंगे और आप बिना इन्वेस्टमेंट में अपना इन्वेस्टमेंट लगाना नहीं, बस नॉलेज का इन्वेस्टमेंट करना है और नॉलेज हम आपको देते हैं, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी। सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे बिना इन्वेस्टमेंट के आप एक्सपोर्ट का बिजनेस सक्सेसफुली स्टार्ट कर सकते हैं और रन कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स यही देख लेते हैं कि जब आप यहां स्ट्रेटेजी में काम करते हैं, या तो जॉइंट वेंचर स्ट्रेटेजी में काम करिए या कमीशन बेस, बोले कि कमीशन बेस काम होता है, तो कमीशन का परसेंटेज कितना होता है ये मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो लार्ज ऑर्डर होते हैं, मतलब मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर वाले जो ऑर्डर होते हैं, उसमें 0.1% से लेके 0.2% तक का नॉर्मली कमीशन एजेंट जो होते हैं, या जॉइंट वेंचर स्ट्रेटेजी में आप काम कर रहे हैं, तो इसका कमीशन होता है उतना आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा। यानी अगर मैं 5 करोड़ का भी ले लेता हूं, कि भाई 5 करोड़ का मैक्सिमम 2% अगर आपने लिया, तो वो 1 लाख रुपए आपका मार्जिन बच जाता है। यानी आपने मेहनत की, बायर बुलाया, बायर को सामान बिकवाया, ऑर्डर सक्सेसफुल एग्जीक्यूट करवाया, पैसा लिया, सब काम कुछ हो गया, तो 1 लाख रुपए आपको मिलेंगे। अब अगर जो मीडियम क्लास वाले, जो मीडियम ऑर्डर होते हैं, मीडियम लेवल वाले, वो 10 लाख रुपए से 1 CR तक के होते हैं, तो अगर मैं उसको, उसमें जो परसेंटेज रहता है नॉर्मली, उसमें 1% से 5% तक का मार्जिन रहता है, तो मैं 5% तक का ले लेता हूं, 5% ऑफ 10 लाख रुपीज इनिशियल जो वैल्यू है। 10 लाख रुपए का अगर ऑर्डर आप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करवाते हैं अपने नॉलेज के द्वारा, और 10 लाख रुपए में आपको 5% मिलता है, तो वो आपका 50,000 रुपए का आपका यहां पे रेडी हो जाता है, जो आपका मार्जिन है। अगर स्मॉल बजट की मैं बात करूं, स्मॉल बजट वाले जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर है, जैसे 1 लाख रुपीज से लेके 10 लाख रुपए वाले जो छोटे ऑर्डर हैं, तो उसमें 5% से लेके 10% तक का आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है। यानी मैं 10% मैक्सिमम मार्जिन भी लेगा हूं और 2 लाख रुपए का लगाता हूं, तो वह 20,000 रुपए आपका मार्जिन बच जाता है। अब आप बोलेंगे सर 20,000, 50,000, 1 लाख, बड़ा ऑर्डर है तो पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन परसेंटेज फिर भी कम है, तो बड़े ऑर्डर होने से परसेंटेज कम होते हैं, लेकिन आपका जो लमसम अमाउंट होता है वो ज्यादा बन जाता है। तो ध्यान दीजिए कि बड़ी कंपनी के साथ में पहले कनेक्ट करने का, और बड़ी कंपनी पहले कनेक्ट नहीं होती तो पहले छोटी से काम करिए, फिर उससे बड़ी के साथ में जाइए, फिर उससे बड़ी के साथ में जाइए, तो धीरे 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 करके ऐसे आपको इंप्रूवमेंट करना होगा। अब अगर मैं बात करूं कि कौन से टाइप के मैन्युफैक्चरर से, यानी जो मैन्युफैक्चरर उसको रिसर्च कैसे करें, कहां से मिलेंगे मैन्युफैक्चरर्स, तो देखिए जो इंडिया मार्ट है, जो B2B वेबसाइट है, इंडिया मार्ट पे बहुत सारे आपको ट्रेडर मिल जाएंगे, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे। किसी भी मैन्युफैक्चरर के साथ में आप कनेक्ट हो जाइए, उनके साथ बात करिए, उनके साथ में विजिट करिए, फिजिकली विजिट करिए, फोन से बात करिए, व्हाट्सएप से बात करिए, ईमेल से बात करिए, और अपनी नॉलेज का वहां पे मार्केटिंग करिए, बताइए कि सर मुझे नॉलेज है, मैंने ट्रेनिंग ली हुई, मुझे सब कुछ आता है, तो आप मुझे मेरी सर्विसेज यूज कर सकते हैं, तो वो आपकी सर्विस यूज करेंगे। आप इंडिया मार्ट से फाइंड कर सकते हैं, एक उड़ान करके B2B वेबसाइट है, उससे आप फाइंड कर सकते हैं, अमेजन बिजनेस से भी आप फाइंड कर सकते हैं, अलीबाबाज पे भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स मिलते हैं, ट्रेड इंडिया पे भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स मिलते हैं, यहां से फ्री ऑफ कॉस्ट आप इनसे B2B वेबसाइट से फ्री में मैन्युफैक्चरर्स आप मिल सकते हैं, आपको वहां से आप ले लीजिए। अब अगर मैं बात करूं कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आपको रिक्वायरमेंट रहता है जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो देखिए वेबसाइट आपको चाहिए, तो वेबसाइट तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जॉइंट वेंचर स्ट्रेटेजी में काम कर रहे हैं, कमीशन बेस पे काम कर रहे हैं, तो आपकी जो वेबसाइट रहेगी, यानी वो मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट रहेगी। मैन्युफैक्चरर की अगर पास में वेबसाइट भी नहीं है, तो आप वेबसाइट उनकी बनवा दीजिए, पैसा वो लगाए
कराएंगे, आपको कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। हम भी वेबसाइट डिजाइन कराते हैं, अगर आप हमसे वेबसाइट डिजाइन कराना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करिए और हम भी वेबसाइट आपके डिजाइन करके दे देंगे। आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना रहता है, जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास में कंपनी का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी होगा क्योंकि वो काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं। बस उनके डॉक्यूमेंट्स आपको लेने जो आपको वेबसाइट पे लगवाने हैं या फिर आप उनको मार्केटिंग करनी है। जीएसटी, वो जीएसटी भी मैन्युफैक्चरर का ही होगा, ऑलरेडी वो काम कर रहा है तो जीएसटी भी उसके पास होगा। एडी कोड अगर उसके पास है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर एडी कोड नहीं भी है तो आप एडी कोड उनको दिलवाइए, क्योंकि एडी कोड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आपको ट्रेनिंग में कई बार समझाया कि एडी कोड मतलब ऑथराइज डीलरशिप कोड, तो वो बैंक से मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, सिंगल डे में मिल जाता है, तो एडी कोड उनको दिलवा दीजिए। अगर उनके पास आईसी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आईसी नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नहीं है, तो आप उनको आईसी दिलवा दीजिए। 500 रुपए का आईसी बनता है, आपको पता है गवर्नमेंट की वेबसाइट से, डीजीएफटी से, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डीजीएफटी की वेबसाइट से, आइसगेट से बनता है, तो आप उनका आईसी बनवा दीजिए, पैसा वो लगाएंगे। आप हमसे आईसी बनवाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बनवाना चाहते हैं, आप हमसे भी बनवा सकते हैं, हमारी पूरी टीम इसके लिए है, पूरी व्यवस्था हमारे पास में है। जो प्रोडक्ट कर रहे हैं उसमें क्या ईपीसी लग रही है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इसकी नॉलेज आपको है, मैन्युफैक्चरर को नहीं है, तो इसकी नॉलेज मैन्युफैक्चरर को आप दीजिए। कौन सा आरसीएमसी लगेगा, रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट, क्योंकि आरसीएमसी आपके पास होगा तभी तो आपको गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिलेंगे। जितने गवर्नमेंट के बेनिफिट मिलते हैं आपको, वुल्स का ही सौदा कर लीजिए कि भाई जितने गवर्नमेंट के बेनिफिट मिल रहे उतना ही मुझे कमीशन दे दे, उसमें भी अच्छा मार्जिन मिल जाता है ना, तो करके देखिए एक बार। आरसीएमसी चाहिए वो भी आप हमें हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम उसको पूरा बना देते हैं, या तो मैन्युफैक्चरर के पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उनको दिलवाइए, पैसा वो लगाएंगे। अब अगर मैं बात करूं कि कौन से प्रोडक्ट है जो आपको स्टार्ट करने चाहिए, जिन प्रोडक्ट में ज्यादा डिमांड है, यानी कैसे मैन्युफैक्चरर के पास जाना चाहिए, क्या मैं केमिकल वाले मैन्युफैक्चरर के पास में जाऊं या जो लेदर प्रोडक्ट बनाता है उसके पास में जाऊं, कौन से प्रोडक्ट में जाना चाहिए, तो टॉप 6 प्रोडक्ट आपको बताता हूं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट जो होते हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में भी बहुत अच्छी डिमांड होती है। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट की जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उनको इंटरनेशनल ले जाने के लिए बारे में बात करिए और वो आपके साथ कनेक्ट होंगे। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में बात करिए, फूड प्रोडक्ट के बारे में बात करिए, इलेक्ट्रिकल आइटम के बारे में बात करिए, गारमेंट्स के बारे में बात करिए, स्पाइसेस के बारे में बात करिए, ये टॉप 6 हॉट प्रोडक्ट है जिनमें आप जा सकते हैं। इनमें आप जाइए और जॉइंट वेंचर स्ट्रेटेजी में आप काम करिए और आप आगे बढ़िए। और देखिए हमें भी सोशल मीडिया पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए, और इसमें कोई भी प्रोडक्ट में आपको कोई दिक्कत आ रही हो या जॉइंट वेंचर स्ट्रेटेजी में कैसे काम करना है या कैसे कमीशन लेना है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, उसका माल बिक गया मैन्युफैक्चरर का, पैसा उसके अकाउंट में आ गया, मुझे पैसा देगा कि नहीं देगा, उसको कैसे सिक्योर करना है, वो सब भी आपको यहाँ पे ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। तो आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, ट्रेनिंग में आप आइए, हमारे साथ कनेक्ट हुई है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो जरूर इसको आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, क्या पता किसी के काम आ जाए। और आपकी तरह बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मेरे पास या तो पैसे नहीं है या मेरे पास पैसे हैं लेकिन मैं इनिशियली अपना पैसा नहीं लगाना चाहता, पहले मैं इसको एज ए कमीशन एजेंट करके मैं इसको सीखना चाहता हूं, आपसे ट्रेनिंग ले ली, वो ट्रेनिंग लेने के बाद मैं इसको और करना चाहता हूं कि ताकि 6 महीने 1 साल में इसको करूं, ताकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए और मैं अपनी हार्ड कोर मनी उसके बाद इसमें लगाऊं। तो ऐसा आप कर सकते हैं, ज्वाइंट वेंचर स्ट्रेटेजी में आइए, पहले आप हमारे पास में आइए, कनेक्ट करिए हमसे, और फिर आप ज्वाइंट वेंचर स्ट्रेटेजी में काम करके फुल कॉन्फिडेंस होने के बाद आप इसमें जा सकते हैं, डायरेक्ट भी जा सकते हैं। और अगर आप चाहते कि विदाउट इन्वेस्टमेंट मैं पहले स्टार्ट करूं और फिर मैं बाद में इसमें अपना पैसा लगाऊं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर शेयर कीजिए, हर उस भारतीय को शेयर कीजिए जो कि जॉब कर रहा है, बिजनेस में आना चाहता है या डायरेक्ट इंटरेस्ट मार्केट में आना चाहता है, जो कमीशनिंग एजेंट बनना चाहता है, जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, वेल्थियर बनना चाहता है, हर किसी को आप इसको शेयर कीजिए और भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं और एक एक्सपीरियंस्ड मेंटर को ढूंढ रहे हैं जो आपकी हेल्प करेगा आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने में स्टेप बाय स्टेप? देन यू कैन ज्वाइन अवर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.rsglobalexport.in और यू कैन कॉल अस ऑन 888-235-7058 और 9014582523। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कॉल नाउ।